hello friends welcome to smrita english academy so friends today i share with you one another video one another paragraph with english movie with hollywood movie subtitles okay it's very helpful for you so let's start into the video so friends if you are new here please do subscribe this channel and turn on notification so the first sentence is अगर तुम कहीं जा सको ठीक है तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगी वेयर वुड यू लाइक टू गो इफ़ यू कुड गो एनी वेयर गुड गो एनी वेयर ओके अगर तुम कहीं जा सको वेयर वुड यू लाइक टू गो इफ़ यू कुड गो एनी वेयर कहाँ जाना पसंद करोगी ओके द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर मेरे पास यात्रा करने का मौका होता इफ़ आई हैड अ चांस टू ट्रैवल अगर मेरे पास यात्रा करने का मौका होता इफ़ आई हैड अ चांस टू ट्रैवल मुझे निश्चित रूप से पेरिस फ्रांस प्रा, जाना पसंद करूँगी ओके आई आई डि डिफिनेटली लव टू गो टू पेरिस फ्रांस अगर मेरे पास यात्रा करने का मौका होता तो मैं पेरिस फ़्रांस जाना पसंद करूंगी। मैं दुनिया की और जगहों को छोड़कर पेरिस ही जाना क्यों चाहती हूँ ओके वाई आई वॉन्ट टू विजिट पेरिस द मोस्ट आउट ऑफ ऑल अदर प्लेस इन द वर्ल्ड आगे वो बोल रही है कि मैं दुनिया की और जगहों को छोड़कर, ठीक है पेरिस जाना क्यों चाहती हूँ ठीक है ऐसा इसलिए है आगे वो बताती है ऐसा इसलिए है इट्स बिकॉज क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो वहाँ रहती है आई हैव फ्रेंड हु लिव्स देयर आई हैव फ्रेंड हु लिव्स देयर ठीक है ऐसा इसलिए है कि वो हमारी एक फ्रेंड रहती है हम एक ही यूनिवर्सिटी में थे वर एट द सेम यूनिवर्सिटी वर एट द सेम यूनिवर्सिटी उनकी एक फ्रेंड है जो उनके साथ एक ही यूनिवर्सिटी में थी आगे वो बता रही है हम पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे वी फर्स्ट मेट इन द पब्लिक लाइब्रेरी ओके वी फर्स्ट मेट इन द पब्लिक लाइब्रेरी कि हम पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे और फिर अंत में हम दोस्त बन गए एंड देन बी एंडेड अ बिकमिंग फ्रेंड्स एंड देन बी एंडेड अ बिकमिंग फ्रेंड्स और हम फिर अंत में दोस्त बन गए ओके नाउ नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बाद वह अपने पिता की फर्म में काम करने चली गई आफ्टर यूनिवर्सिटी सी वेंट टू वर्क एट हर टेड फॉर्म ठीक है यूनिवर्सिटी के बाद आफ्टर यूनिवर्सिटी ठीक है सी वेंट टू वर्क एट हर टेड फॉर्म वो अपने पिता के फर्म में काम करने चली गई ओके okay. आगे वो बताती है उसके पिता पेरिस में एक कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक हैं हर फादर ओन्स अ कंस्ट्रक्शन फॉर्म इन पेरिस ठीक है हर फादर ओनर्स ओन्स मतलब ओनर है वहाँ की यूनिवर्सिटी के बाद मुझे बिजनेस में दिलचस्पी हो गई आफ्टर यूनिवर्सिटी अब वो अपने बारे में बता रही आई बिकम इंटरेस्टेड इन बिजनेस ठीक है उसकी जो फ्रेंड थी अपने पिता के फॉर्म में काम करने चली गई और ये अपने बारे में बता रही है कि ये इसको ये काम पसंद आ गया बिजनेस करना बड़ी कहानी को शॉर्ट में बताती हूँ ओके टू तो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ठीक है अब बड़ी कहानी को शॉर्ट में बताती हूँ टू तो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम कॉलेज के बाद कभी नहीं मिले बी नेवर मेट आफ्टर कॉलेज बी नेवर मेट आफ्टर कॉलेज अगर तुम अपना माइंड बदल लो तो मुझे बता देना इफ़ यू चेंज योर माइंड लेट मी नो इफ़ यू चेंज योर माइंड लेट मी नो अगर तुम अपना माइंड बदल लो तो मुझे बता देना ओके okay? सो so, हमें अभी भी तुम्हारी यहाँ जरूरत है बी स्टिल नीड यू हेयर बी स्टिल अभी भी लगा है ना इसलिए स्टिल काश तुम्हें ना जाना पड़ता आई विश आई डिडेंट हैव टू गो आई विश आई डिडेंट हैव टू गो काश तुम्हें ना जाना पड़ता मैं उसे बस में देखकर हैरान थी आई वॉज सरप्राइज है सरप्राइज किस लिए यूज किया है? हैरान टू सी हर ऑन द बस टू सी हर ऑन द बस में उसे बस में देखकर हैरान थी मैं सरप्राइज हो गई थी ओके okay? आई वॉज सरप्राइज पास्ट का सेंटेंस है टू सी हर ऑन द बस बस में देख कर सरप्राइज हो गई थी मुझे तो बताया गया था युद्ध में वो मर गई थी ओके आई वॉज टोल सी डाइट इन दॉर वॉर मीन्स होता है युद्ध डाइट मीन्स मरना ठीक है आई वॉज टोल सी डाइट इन दॉ जब मैंने उसे देखा तो मैं दंग रह गई ठीक है आई वॉज टेकन अबैक वेर आई सोहर आगे वो बता रही है कि मैंने जब उसे देखा तो मैं तो दंग ही रह गई अबैक मतलब कि मैं दंग रह गई मतलब कि किसी को अचानक देखो जिससे एक्सपेक्ट ना किया हो कि हाँ ये ज़िंदा है तो ऐसा होता है वो तुम्हें नहीं मरी जैसा मुझे बताया गया था सिंट आई इन दॉर लाइक आई वॉज टोल सीटिडेंडा इन द वॉर लाइक आई वॉज टोल वो युद्ध में नहीं मरी जैसा कि मुझे बताया गया था ये तो साफ है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ठीक है इट इज ओबियस दे हैव बीन कीपिंग समथिंग फ्रॉम मी ठीक है यह साफ है इट इज ओबियस दे हैव बीन ओके कीपिंग समथिंग फ्रॉम मी कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं मैं अपने ऑफिस में था जब बम फटा ओके आई वॉज एट माई ऑफिस द बम वेंट ऑफ आई वॉज एट माई ऑफिस ओके द बम वेंट ऑफ कि मैं अपने ऑफिस में था जिस टाइम पे बम फटा ऐसा लग रहा है जैसे परमा परमाणु बम फट गया हो इट लुक्स ठीक है लाइक न्यूक्लियर बम ठीक है, इट लुक्स लाइक अ न्यूक्लियर बम यहाँ मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं है दे आर नथिंग बट ट्रेवल्स हेयर दे आर नथिंग बट ट्रेवल्स हेयर ठीक है यहाँ मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं है नथिंग दे आरस नथिंग मतलब कुछ नहीं है बट ट्रेवल्स हेयर सिर्फ मुसीबत ही है यहाँ पे ठीक है तुमने यहां आकर गलती कर दी यू मेड अ मिस्टेक कमिंग हेयर यू मेड अ मिस्टेक कमिंग हेयर कि तुमने यहां आकर गलती कर दी ओके मिस्टेक मिस गलती अगर तुम सो फ्रेंड्स वीडियो एंड होता है वीडियो इतना ही था इसमें आपको कौन सा सेंटेंस अच्छा लगा कौन सा सेंटेंस आपको पहले पता था कौन सा सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में यूज करने वाले हैं आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं ठीक है और आप किस तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं कौन सा वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है प्लीज़ ये भी बताएँ ताकि हम उस तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग